arises within your mind, sir, what do you mean by the additivity of charges? तो बेटा एडिटिव ऑफ चार्जेस ये है कि अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है ये आपको फाइंड आउट करना रहता है बेटा। हाउ विल यू डू इट? अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है और वहां पर जो चार्जेस दिया गया है Q1, Q2, लेट इट बी Q3। नाउ अब आप ये जानना चाहते हो दैट हाउ मेनी चार्जेस द सिस्टम हैज, उस सिस्टम में कितना चार्जेस होगा। तो बेटा आप क्या करोगे, डायरेक्टली सिर्फ Q1 देन प्लस Q2 प्लस Q3, यू हैव टू जस्ट एड इट, आपको एज इट इज बस एड कर देना है। इसलिए बेटा यहाँ पे लिखा गया है दैट एडिंग एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली आपको ऐड करना है, बट वहां पर एक वर्ड दिया गया बेटा लाइक रियल नंबर्स। लाइक रियल नंबर्स मतलब बेटा यहाँ पर सीधा सीधा है, जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स्ट्रा जो आप ऐड करते हो द सेम मैनर यू हैव टू एड इट। नाउ अनदर वर्ड इज देयर दैट स्केलर्स लाइक मास, मास की तरह भी ऐड कर सकते हो। सर मास क्या होता है? नाउ सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 2 kg पोटैटो, सो हियर इट इज 2 kg पोटैटो, एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ 3 kg टोमेटो देन प्लस 3 kg टोमेटो। अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आपके बैग में हाउ मच अमाउंट ऑफ केजी इज देयर, वो ये नहीं पूछा कितना टोमेटो है कितना आपके पास पोटैटो है, वो ये पूछा कि कितना केजी है आपके थैले में। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड इट, 2 + 3 दैट इज 5। इससे ही कहते बेटा स्केलर्स की तरह ऐड करना। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, जब आप चार्जेस की बात करते हो बेटा तो ये चार्जेस का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस भी रहता है। एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस साइन और माइनस साइन, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट एट द टाइम ऑफ मास, जब आप मास की बात करते हो 2 kg पोटैटो, 3 kg पोटैटो, 5 kg समथिंग एल्स, एट दैट टाइम आप ये नहीं सोचते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहता है। बट एट द टाइम ऑफ चार्जेस, चार्जेस मे बी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर, या तो पॉजिटिव नेचर हो सकता है या नेगेटिव नेचर हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट बेटा आपको उस चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ प्लस और माइनस साइन को भी कंसिडर करना है एट द टाइम ऑफ एडिंग। दिस इज द प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्जेस, ये एडिटिव ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी है बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया। अब हम इसकी और दूसरी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बता दिया, सिमिलर टू मास, बट डिफरेंस मास ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसीडर द प्रॉपर साइन टू बी यूज व्हाइल एडिंग द चार्जेस। Now, the next property ye keh raha beta that charge will always be conserved. Now, how this charge will always be conserved? Charge kis prakar se hamesha conserved rahega? Now, charges ko agar aapko dekhna hai conserved kaise beta, ki agar aap kisi ek system ki baat karte ho, agar wahan pe positive charge aur negative charge both are there, then definitely at the time of adding it, jab aap use add karte ho, at equilibrium condition, you are getting the summation as equal to zero. Aur tab ja kar ke aap bologe, the given charge जो है बेटा वो कंजर्व्ड इन नेचर है। हाउ, सी हियर, फॉर एग्जांपल द मोमेंट इफ आई एम रबिंग, अगर मैं किसी चीज को रब कर रहा हूं तो क्या होता है बेटा, आप जानते हो एट द टाइम ऑफ रबिंग, इफ आई एम रबिंग समथिंग देयर इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे ट्रांसफर होता है? फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, और जिसकी वजह से व्हेनेवर देयर इज अ व्हाट रबिंग प्रोसेस देर इज अ ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस। और अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैंने इसे रब किया, दिस इज क्लॉथ एंड दिस इज वॉट, सपोज इट इज मेड ऑफ वॉट, ग्लास रॉड, जब मैं इसे रब करूंगा तो मेरे इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर बेटा चार्जेस ट्रांसफर हो जाएगा। और चार्ज ट्रांसफर होने पर फिर डिपेंड करता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। मगर यहाँ से आपको एक बात ये ध्यान रखनी बेटा दैट चार्ज में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, बट इसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नॉट आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नाउ सेकंड थिंग, ड्यू टू इंटरेक्शन चार्जेस में गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है बेटा। याद करिए जब हमने पिछले इस समय पढ़ा था कि आपके पास बेटा एक ग्लास रॉड था, उस ग्लास रॉड में आपने क्या किया था, आपने एक ग्लास रॉड को लाया था पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे एक मेटल नॉब था या फिर स्फेरिकल मेटल था बेटा, और उस स्फेरिकल मेटल में आपने क्या किया था, जैसे ही इन टच किया, कनेक्शन में लाया बेटा, इसके साथ क्या हुआ था, आपके पास चार्ज ट्रांसफर हुआ, साथ ही साथ इस पूरी बॉडी में क्या हो गया था, चार्ज वॉज रिडिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि वो जो मेटल था कंडक्टर
था बेटा, और कंडक्टर जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है टू कंडक्ट द चार्जेस. ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड दैट ड्यू टू इंटरेक्शंस चार्जेस मे गेट रिडिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि टोटल चार्जेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सर आप ये कैसे कह सकते हो? फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम किसी न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उस न्यूट्रॉन में आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो उसने बनाया बेटा. वन न्यूट्रॉन इज टर्न्स इनटू व्हाट? अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. मगर अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही बेटा मैग्नेट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बट अपोजिट इन नेचर, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा बेटा? जीरो. कैसे? यहां देखते हैं बेटा, यहां देखिएगा. सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज हम किसका लेंगे? प्रोटॉन का. सपोज मैंने उसके मैग्नेट्यूड प्लस टू ले लिया. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इफ आई आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, देन डेफिनेटली आपके पास मैग्नेट्यूड विल बी द सेम, बट द चार्ज विल व्हाट? डिफरेंट इन नेचर. नाउ एड इट, द मोमेंट इफ यू आर एडिंग इट यू आर गेटिंग व्हाट? जीरो. इफ यू आर गेटिंग जीरो इट मींस व्हाट बेटा? अगर आपको जीरो मिल रहा है मतलब कि अब आपके उस बॉडी में ओवरऑल चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या फिर आप बोलोगे चार्ज इज इन कंजर्व्ड इन नेचर. दिस इज द प्रॉपर्टी. ये वो प्रॉपर्टी है बेटा. ओके, नाउ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद भी कंजर्व्ड रहता है, देन इसका मतलब आप ये बोल सकते हो बेटा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव मैच हो रहे एक साथ, इन कनेक्शंस हो रहे, तो डेफिनेटली बॉडी जो हमारी वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ सकती है. फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट कि सर कई हम मैटर देखे जो इससे पहले प्लस था, एक स्फेरिकल बॉडी देखे थे उसमें नेगेटिव था, तो बेटा उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आ चुका था इसलिए वो प्लस और माइनस था. अगर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्लस और माइनस आएगा देन डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आएंगे. नाउ नेक्स्ट है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वांटाइजेशन. उसके न्यूमेरिकल पार्ट से आपको जाना पड़ेगा. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसका मतलब क्या होता है बेटा? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई एक सिस्टम है, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज माई स्फेरिकल बॉडी, तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करना है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा. हमको बेटा क्या करना पड़ेगा? ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी में आप ये निकालना चाहते हो कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इट हैज, इसके पास कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन इसने कर रखा है, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू द इंटीजर. अब वो इंटीजर क्या है इसे समझते बेटा. यहाँ देखिए, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बॉडी, सपोज हियर इट इज द बॉडी एंड स्फेरिकल इन नेचर, ये मेटालिक बॉडी है बेटा. इस मेटालिक बॉडी में सपोज मैंने नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ. नाउ आई एम इन रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी दिस नेगेटिव चार्ज इट हैज, कितने नेगेटिव चार्जेस है, देन व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू जस्ट गो थ्रू द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस. द मोमेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, यू हैव टू जस्ट कंसिडर एज क्यू, वो उससे सिम्बॉल है बेटा, वो उसका डिनोट करता है क्यू इक्वल्स टू एट दैट टाइम. आपने देखा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में इसलिए ई इसलिए लिया बेटा, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है. हमें उसके डायरेक्शंस पर डिपेंड कर सॉरी हमें उसके बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव वे में डिपेंड करता है कि वो आपके पास चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. ठीक है बेटा, अभी हम कंसिडर सिर्फ ई ले रहे हैं. अब ये कितने अमाउंट है, देन यू हैव टू जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू द नंबर. आपको इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब एन क्या है बेटा इस इक्वेशन में, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एन, एन इज व्हाट? इंटीजर. अब आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू मीन बाय दिस एन, क्योंकि आपने बोला कि ये इंटीजर है. बेटा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली नंबर. मैं आपको सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ. सपोज ये इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, और इट मे बी 2, और इट मे बी 3, और इट मे बी लेट इट बी 10. नंबर हो सकता है, इंटीजर मीन्स नंबर्स है ओनली. ओके, एंड ई क्या है बेटा? वो चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और इट विल बी अ नेगेटिव. तो बिकॉज ऑफ दिस मैनर, इस प्रकार के मैनर से बेटा आप क्वांटाइजेशन के थ्रू चेकआउट कर सकते हो दैट हाउ मैनी द चार्जेस द सिस्टम हैज, उस सिस्टम में कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस है. यू कैन गो थ्रू इट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस. Now,
एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये मैंने अभी आपको बताया बेटा, एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, प्लस टू, क्योंकि इंटीजर माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी भी होता है, पॉजिटिव वन से पॉजिटिव इन्फिनाइट भी होता है, बीच में जीरो भी है बेटा. ओके, नेक्स्ट. नाउ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, अगर बेटा हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज. इज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन कैरीज. और वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करेगा बेटा, इट विल बी डिनोटेड बाय आइदर माइनस ई, इलेक्ट्रॉन है तो, और प्रोटॉन है तो वो डिनोट करेगा आपके पास पॉजिटिव ई से. दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड इट. अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, सर इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दैट. तो बेटा जब हम उसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे देन द एसआई यूनिट ऑफ दैट चार्ज इज कूलम्ब, और उस कूलम्ब को बेटा हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. ओके, मींस अगर इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस क्यू इक्वल्स टू एनई, अगर बेटा मैं इस क्यू इक्वल्स टू एनई इक्वेशन को रख करके कुछ वैल्यू निकाल रहा हूं, सपोज अगर आ रहा है 4 कूलम्ब, सपोज देन सी इज वॉट, यहाँ पे जो सी है बेटा ये क्या है, सी इज द यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट है, ये सी जो ऐसा यूनिट है बेटा इस क्यू की. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है लास्ट स्टेटमेंट, ये उस चीज को डिनोट कर रहा है. ओके, नाउ अगर बेटा हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर रहे हो, उस समय हमारे पास कैपिटल सॉरी स्मॉल ई की एक वैल्यू भी पता होनी चाहिए. वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वॉट द नंबर. If you are going to find out the number, then definitely you must have the numerical value. तो वो numerical value क्या होगी जो आप q equals to n into e में रखोगे? At that time बेटा आपके पास उस e की value आपको पता होनी चाहिए, और जो e की value है बेटा वो दी गई है आपके पास, see here on your own screen. आपके पास e की ये value exact you must have to remember. एक e में जो रहेगा बेटा 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb. इतना उसकी वैल्यू है, दैट यू मस्ट हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. और बेटा अगर हम कूलम की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक कूलम में रहता है. और अगर आपके पास बेटा नंबर ऑफ कूलम्स 4 दिया है, 5 दिया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट. इसलिए द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज, E equals to 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb, as well as 6 × 10⁻¹⁸ electron in one charge of 1 coulomb. ठीक है बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए. Now, next, if अब बेटा इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी है, वो आपको बस याद रखना है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल पार्ट वहां पर बेटा आपको रिक्वायरमेंट रहता है बड़े बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए. बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट 1 μC, ये वैल्यू बस आपको याद रखनी है बेटा. 1 μC इज वॉट, 10⁻⁶, और 1 mC इज इक्वल टू वॉट, 10⁻³. दैट यू मस्ट हैव टू ओनली Keep it in your mind. ये आपको याद ही रखना है, ये उसकी यूनिट्स है बेटा. ठीक है, नाउ अब हम इसके थोड़ा सा फॉरवर्ड होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को लेकर के, दैट हाउ विल वी सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है. क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन अ गिवन सिस्टम. नाउ फॉर एग्जाम्पल, If you have a question like this, अगर आपके पास एक ऐसा question है बेटा, that if 10⁻⁹ electrons, ठीक है, उस 10⁻⁹ electrons में it is saying that about you, कि अगर आपके पास 10⁻⁹ electron है, then what you have to do, you have to just moving, वो move कर रहा है बेटा, कहाँ से move कर रहा है, it is moving from one body to another body every second. हर एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देन हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर्ड, तो इसको कितना समय लगेगा टू गेट द टोटल चार्जेस, टू गेट अ टोटल चार्ज, कितना टोटल चार्ज बेटा ऑफ 1 coulomb. मतलब कि अगर आपके पास ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, इस बॉडी से बेटा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें
इस अनदर बॉडी में, तो ये जो मेरा सेकंड बॉडी है, इस सेकंड बॉडी में एक कूलम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ पर हमें द रिक्वायरमेंट इज दैट क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना होगा बेटा। लाओ चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बेटा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस रखना है, क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्वांटाइजेशन दैट इज क्यू, क्यू इक्वल टू व्हाट बेटा, एन इंटू ई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यों क्या है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, एन क्या है बेटा इंटीजर, आइदर 1, 2, 3, 4, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 10^9 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है नंबर है, नंबर मतलब किसकी वैल्यू है, स्मॉल एन की वैल्यू है, और स्मॉल ई की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, वी हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट एंड डू द कैलकुलेशन ऑफ। चलिए बेटा अब देखते हैं ये कर क्या रहा है। यहाँ देखिए अगर आपके पास बेटा क्वांटाइजेशन मुझे फाइंड आउट करना है, हाउ विल आई डू इट, आपके पास हम जानते हैं कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपके पास बेटा एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये जो 10^9 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। ये बेटा ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये जो दिया गया है इट इज अ स्मॉल एन। ये आपको प्रैक्टिस के दौरान बेटा डेफिनेटली सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कब मुझे किसकी वैल्यू रखनी है। नाउ मूव आउट ऑफ द बॉडी, अब हम जानते हैं बेटा क्वांटाइजेशन अगर मुझे लेना है तो Q इक्वल टू क्या होता है, N into E। Now, N की वैल्यू अभी आपने बताया कितना, 10^9 Now, it is going to be multiplied with what? किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है स्मॉल ई, और स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, दैट यू नो इट वेरी वेल, 10^9 into small e, that is what? अभी आपने देखा था 1.6 something into 10^ what? -19, here it is. Now, अब ये is Q, that is total charge जो आप निकाल रहे हो बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है, the charge is what? C, okay? Now, here it is the equation जो अभी हमने देखा बेटा, ये इस प्रकार से है, ठीक है? Now, you have to just do the multiplication of it. अब आपने देखा बेटा, if base is same, power should be what? Add. यहाँ पे दोनों का base क्या है बेटा? Same है. Definitely, इन दोनों का power क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा. It means, आप इसे लिख सकते हो, 1.6 into 10^ -19 एंड प्लस 19। नाउ माइनस 19 और प्लस 19 अगर करोगे बेटा तो डेफिनेटली वहां से जो 9 है वो माइनस हो जाएगा, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एज 1.6 इनटू 10^ व्हाट इट विल बी माइनस 10, इट विल बी व्हाट माइनस 10 एंड हियर इट इज द कूलम, सो यू गॉट द सेम पार्ट हियर, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट, कहीं पर भी बेटा अगर डाउट आता है देन डेफिनेटली रेज योर हैंड और मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बेटा फिजिक्स में सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है न्यूमेरिकल्स को समझना, और न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन उससे ज्यादा टफ हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स इफ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग विद इन योर होम इटसेल्फ, ओके। सो आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरी स्टेप, ओके। अब आपके पास बेटा आपने देखा कि कितना अमाउंट ऑफ क्यू निकल गया, इतना टोटल क्यू निकला बेटा, टोटल क्यू, मगर उसने टोटल क्यू फाइंड आउट करने नहीं बोला है, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट वन कूलम, एक कूलम चार्ज को इस बॉडी में आने में कितना टाइम लगेगा, वो ये कह रहा है, उसने ये नहीं बोला दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ क्यू इज ट्रांसफर्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, कितना ट्रांसफर हुआ वो पूछता तो डायरेक्ट आप आंसर दे देते जो भी आपके पास निकला 1.6 इंटू 10^-10, मगर उसने टाइम निकालने बोला है बेटा कि कितने समय में वन कूलम ट्रांसफर होगा, तो चलिए अब टाइम निकालते हैं। नाउ टाइम जब कभी निकालना रहेगा बेटा, एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द टाइम व्हाट यू हैव टू रिक्वायर्ड, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास गिवन क्वांटिटी क्या है, एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास गिवन क्वांटिटी पता है बेटा, देन यू हैव टू जस्ट पुट व्हाट द वैल्यू ऑफ इट। अब गिवन क्वांटिटी क्या था, गिवन क्वांटिटी था आपके पास 10^9 इलेक्ट्रॉन, वो नंबर था बेटा एन की वैल्यू, ई की वैल्यू आपको याद थी, कैपिटल क्यू निकल गया, कैपिटल क्यू क्या है बेटा टोटल चार्ज है, अब टोटल चार्ज की जगह मतलब टोटल सी है, मुझे वन सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास 10 चॉकलेट है बेटा, आप कितनों को बांटना चाहते हो, सपोज 10 चॉकलेट है, 5 लोग को बांटना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू डू 10/5, दो दो चॉकलेट ईच मिल जाएगा, ठीक वही है बेटा, टोटल चार्ज है आपके पास 1 कूलम, और आपने अभी ट्रांसफर करके जो बताया बेटा क्यों को, वो वैल्यू कितनी आई है 1.6 × 10^19, तो आप सॉरी 10^-10, आप उसको सिर्फ डिवाइड कर दोगे, इट मीन्स यू हैव टू डू ओनली दिस प्रोसेस। आपके पास बेटा Q इक्वल टू क्या आया था, आपके पास Q इक्वल टू आया
1.6 into 10 raised to power minus 10 coulomb. Now you got it. ये आपके पास मिला. वो बोल रहा है that how much time will it take? कितना time लेगा एक coulomb जाने के लिए बेटा. तो आप क्या करोगे? T for time. टाइम निकालना है. कितने अमाउंट ऑफ चार्ज आप ट्रांसफर करना चाहते हो? आप 1 कूलम. और एक्चुअल में अभी आपके पास कितना है? आपके पास है 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 10. ये आपने फाइंड आउट किया बेटा. यू हैव टू जस्ट डू द डिवीजन प्रोसेस. अब देखिए ये 1 भी क्या था, ये कूलम था. यहाँ देखिए ये फाइंड आउट करने बोला था कूलम. नाउ डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या निकाला बेटा? आपने निकाला क्या? हियर इट इज 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10. ये पर सेकंड के हिसाब से निकाले थे. सर आपको कैसे मालूम? यहाँ देखिए बेटा, चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकंड. एक सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है वो निकालने के लिए हमने पहले ये देखा हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग 1 सेकंड. एक सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है? तो 10^9 इलेक्ट्रॉन. इसलिए हम सी बाय एस रखेंगे. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा, कई बार स्टूडेंट्स के में डाउट रहता है कि सर जब आप अभी इससे जस्ट पहले आप सर ऐसा लिखे थे क्यू इक्वल्स टू एन ई, तब आपने सर इसका यूनिट सिर्फ कूलम बताया था, कूलम पर सेकंड नहीं बताया था. हाँ नहीं बताया था, क्योंकि वो तो पर सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं निकाले थे, वो ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड पर हमने निकाला था बेटा. बिकॉज ऑफ दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर पर सेकंड दिया था, इसलिए हमारी वैल्यू यहाँ पर सेकंड आई. नाउ सी हियर, कूलम विल बी व्हाट? कैंसल्ड आउट. दिस सेकंड विल गोज टुवर्ड्स व्हाट? अपर साइड चले जाएगा. मतलब बेटा आपके पास आएगा 1 / 1.6 इंटू व्हाट? 10^-10. और यहाँ पे आएगा बेटा सेकंड. मतलब अब आपको क्या करना है बेटा, इतने पोर्शन को यू हैव टू डू द डिवीजन प्रोसेस. आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेटा डिवीजन प्रोसेस करना है, सो दैट यू शुड गेट द वैल्यू. नाउ कैसे डिवाइड करेंगे? डिवीजन हर किसी का अपना अलग अलग होता है बेटा, इसलिए मैं ये आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर किसी का डिवीजन अलग है. बट मे बी पॉसिबल आई विल ट्राई माई सेल्फ टूवर्ड्स द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. What actually I am doing, मैं कैसे करता हूँ वो सिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ. बट यू मस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन, वो आपको खुद से करना होगा. अपने कॉपी और पेन को तुरंत निकालिए बेटा, और मैं जैसे जैसा बोल रहा हूँ वैसे मुझे डिवाइड करके तुरंत बताइए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है क्लास 12th की. न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं आया तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा, उनको सबसे ज्यादा टफ दो चीज लगता है फिजिक्स में. पहला, डेरिवेशन याद करके रिमेंबर रखना. दूसरा, अगर न्यूमेरिकल्स के इक्वेशंस बन भी गए तो कैलकुलेशन नहीं बनता. यकीन ना हो तो अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा, तो आपको पता चलेगा. इसलिए अपने कॉपी और पेन जरूर निकालिए, मैं जैसा वे बोल रहा हूं वैसे डिवाइड करके बताइएगा मुझे. नाउ सी, हमने क्या देखा? 1 डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना है बेटा? 1.6 इंटू वॉट? 10^-10. माइनस 10, फॉरगेट अबाउट दिस यूनिट, यूनिट को अभी भूल जाइए फिलहाल, ठीक है बेटा. नाउ अब हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे पास 10^-power जितने भी है बेटा, हम उसको इजी फॉर्मेट में कर सके, पॉजिटिव फॉर्मेट में कर सके. सो आई मे ऑल्सो राइट इट डाउन, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, 1 डिवाइडेड बाय सी 10^-10. अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव. सो आई एम राइटिंग हियर 1 × 10^-10. +10, हालांकि पॉजिटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू राइट डाउन द प्लस साइन, बट फिर भी मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ. नाउ हियर इट इज व्हाट? 1.6. नाउ 1.6 व्हाट यू मे राइट इट डाउन, आप इसे क्या लिख सकते थे? 1.6 अगर बेटा 1 हटाया जाएगा इट विल बिकम व्हाट, सॉरी पॉइंट हटाया जाएगा इट विल बिकम व्हाट, 1.6 का बन जाएगा 0, क्योंकि एक ही यूनिट है, एक ही डिजिट है, सॉरी. अब ये 10 कहां चला जाएगा बेटा? अगेन इन न्यूमरेटर पार्ट. सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट एज व्हाट? 1 × 10^-10 डिवाइडेड बाई वॉट? 16. अब 16 जो है ग्रेटर है, बिकॉज ऑफ दैट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 10 को भी बड़ी वैल्यू कर दूं, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता था 100 / 16 इंटू, अब यहाँ एक 10 था, आपने एक 10 यहाँ रख दिया, यहाँ से एक 10 इसे दे दिया बेटा, एक 0 कम हो गया, तो कितना बचा? 10^-9. ओके, नाउ द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू व्हाट? अब आपको बेटा इसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है. ओनली रिक्वायरमेंट इज टू व्हाट? टू डिवाइड इट. कैसे डिवाइड करोगे? ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा कैसे डिवाइड करोगे, हाउ विल यू डिवाइड इट? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपके पास 100 था, सीधा सीधा प्रोसेस है बेटा, एज यूजल आपका 16 है, ठीक है, 16 6 करके देख लिए, 16 6 6 6 36, 6 carry 3 6 1 6 9 96. व्हाट विल आई गेट? 4. पॉइंट अगर लगा बेटा क्या आ गया? 0. नाउ 6 टेबल देखिए बेटा क्या होता है, 6 5 6 8 40 48 होता है, इट मींस 6 7 7 6 42 6 6 36. सो यू मे राइट इट डाउन आउट व्हाट?
100, 100 minus what beta? 100 minus 90, yes, 6 is the 36, carry 3, 6, 6, 69, 4, 40 aaya beta, so approximately kita aaja 6, 5 za 30, or 6, 6 za 36, approximately 6.6, 36 aayega beta, aur yahan pe kya aayega, 4, again 0 aayega kuch yahan par, again, kyunki yahan pe 4 bacha, phir 6.6, so something is, यहाँ पे जो 6.25 दिया बेटा अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.6 इनटू 10 रेस टू पावर पॉजिटिव 9 सेकेंड. मीन्स हमारी जो वैल्यू आ रही है वो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ देन वी आर गेटिंग 6.6 इनटू 10 रेस टू पावर पॉजिटिव 9 सेकेंड. आई एम गेटिंग लाइक दिस, मुझे ये मिल रहा है अभी ये सेकेंड में मिला बेटा. ठीक है, नाउ दिस सेकेंड को हम चाहते हैं कि हम ईयर में निकाले, ईयर में निकालना चाहते हैं, देन व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना होगा, सी ईयर. एक एक चीज अभी आप मुझे डिवाइड करके तुरंत दोगे बेटा ताकि आप भूलो मत. अब आप देखिए आपके पास क्या आया, लेट इट बी, मैं अगर बुक का ही रखूं तो 6.25 इनटू व्हाट, 10 रेस टू पावर पॉजिटिव 9 डिवाइडेड बाय बेटा ये किस में था, सेकंड में. हम जानते हैं 100 साल मतलब कि एक साल में हाउ मेनी डेज वी हैव, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज हम लेते हैं बेटा. सो 365 डेज हमने ये लिया इनटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स. सो आई हैव टू राइट डाउन 24 आवर. नाउ एक घंटे में कितना सेकंड होता है, सो 3600 सेकंड. नाउ अब ये सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 3600 सेकंड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया. नाउ अब हमने इसको ईयर में कन्वर्ट किया तो अब आपके पास ये एस नहीं आएगा, अब ये एस किस में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस एस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ईयर. That's why I have to write down what. मुझे क्या लिखना पड़ेगा यूनिट में बेटा, अब मैं जो लेकर के चलूंगा दैट आई हैव टू राइट डाउन व्हाट, ईयर. क्यों, क्योंकि अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयर में. तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो ईयर में आएगी बेटा. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे ऐसा लिख सकते थे, यहाँ देखिए 625 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई है बेटा आपके पास 10 रेस टू पावर पॉजिटिव 9 डिवाइडेड बाय व्हाट, 24 इंटू 36. अब 100 है बेटा, अब यहाँ देखिए ये 6.25 था तो इसका दो यूनिट दो डिजिट है 1, 2, तो हाउ मेनी जीरो शुड बी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में दो जीरो और बढ़ेंगे और पहले से कितने जीरो थे, 2 0, सो 2 + 2 = 4. सो आई मे ऑल्सो राइट डाउन एज 10 रेस टू पावर 4, ऐसा लिख सकता था. अब बेटा अब आपको सीधा सीधा 625 डिवाइडेड बाय 365 इंटू वॉट 24 इंटू वॉट 36. नाउ मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव का ऊपर जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव, सो 9 - 4 इट विल बी व्हाट, 10 रेस टू पावर 5 इतना बचेगा बेटा, 9 - 4 = 5. नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस पार्ट, नाउ यू हैव टू डू द ओनली कैलकुलेशन ऑफ दिस पार्ट. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, कैसे करोगे, यहाँ देख लीजिए 5 5 है, डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 24 एंड 36. डू इट फास्ट, बन रहा है कि नहीं बताइए, इतना बस कैलकुलेट करके दीजिए, इतना बस, जल्दी फास्ट, बाकी नहीं. Do it fast. I am waiting. जल्दी करिए बेटा. Division process बन जाएगा सबसे. Let it be. मैं उसको दूसरी क्लास में बताता हूँ. ठीक है, division का और. ठीक, यहाँ देख लीजिए. अब आपके पास बेटा, अगर आप उसे divide कर रहे हो, so what will I get? क्या मुझे at last मिलेगा? Approximately 198 years. मतलब कि आप इसे ले सकते हो कि 200 साल मिलेगा. देखो डिवीजन प्रोसेस सबका अपना अलग अलग होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू द वे हाउ यू कैन डिवाइड इट इन अ इजी मैनर, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ. आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा. नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, 198 इयर्स यू आर गेटिंग. मींस ये आपका टाइम निकल गया कि 10^9 इलेक्ट्रॉन अगर वन हैंड से सेकेंड हैंड में जा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली पर सेकेंड में अगर 10^9 इलेक्ट्रॉन पास करता है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो कितना टाइम लेगा, 198 इयर्स इट विल टेक. इतना समय ये ले सकता है, ये चीज वो बोल रहा था बेटा. नाउ नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं. नाउ एग्जांपल टू, व्हाट इट सेज, इट सेज दैट हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर, इज देयर कहां पर, वो पूछ रहा है कहां पर होगा बेटा, इन 250 ग्राम कप ऑफ वाटर, 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा. हाउ विल आई फाइंड इट आउट, कैसे फाइंड करूंगा बेटा एट दैट टाइम. अब यहाँ पर आपको मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
कि कितने मोल कितने ग्राम में होता है बेटा, या फिर वाटर दैट इज H2O कितना ब्रिंग करता है, दैट वी मस्ट हैव टू नो, जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हो. ठीक है, मैं इसे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपको समझा रहा हूँ कि द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज वॉट, द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज वॉट 18 ग्राम. इसका मतलब आप बोल सकते हो बेटा कि एक मोल ऑफ वाटर में कितना आपके पास वाटर, कितना ग्राम वाटर है, दैट इज 18 ग्राम. 18 ग्राम एक मोल में है तो 250 ग्राम, 250 ग्राम कितने में होगा, सिंपली आपको डिवाइड करना होगा बेटा. ठीक है, सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, हाउ विल आई डू इट, यहाँ देखिए. और दूसरा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट यू ऑल्सो रिमेम्बर, ये भी आपको याद रखना है कि एक मोल में 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. दैट थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ये आपकी स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो याद ही रहना चाहिए. इसका मतलब नाउ The only requirement is what? The only requirement is to do what? क्या बचा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ calculation. कैसे करेंगे? आपने अभी देखा बेटा कि आपके पास क्या दिया था? आपके पास दिया था बेटा कि 18 ग्राम एक मोल ऑफ वाटर में आपके पास कितना है? 18 ग्राम है बेटा एक मोल ऑफ वाटर में. यहाँ देखिए, the one मोल ऑफ वाटर contains how much? 18 ग्राम. So 250 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे वो गेट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू डू ओनली व्हाट, 250 डिवाइडेड बाय व्हाट, 18 ग्राम आप कर दोगे बेटा. तो ये आपके पास क्या मिल रहा है, मोल निकाल रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया आपको, बट आप जानते हो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एट दैट टाइम? 6.02 × 10⁻²³. इतने मॉलिक्यूल्स होते बेटा. नाउ यू हैव टू जस्ट डू द सॉल्यूशन ऑफ इट. आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर. ठीक है, मगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, मगर यहाँ पूछा क्या है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम कप ऑफ वाटर. सर मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हो. तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कॉमन सी चीज है. व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच, कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट मींस कितना अमाउंट ऑफ आपके पास चार्ज है, मतलब क्वांटाइजेशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटाइजेशन मींस द फॉर्मूला इज व्हाट, क्यू इज इक्वल्स टू एन इनटू ई. ओके, नाउ द ओनली रिक्वायरमेंट टू नो अबाउट द एन, एन निकालना होगा, ई तो आपको याद रहता है बेटा. इसलिए हमने बेटा एन निकालने के लिए ये कैलकुलेशन पहले कर रहे हैं. और आपने देखा दूसरा कंसेप्ट, अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर बात कर रहे हैं बेटा, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, क्या डिफरेंस रहता है, द ओनली डिफरेंस इज द नेचर, आइदर वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, मगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है. सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द मैग्नीट्यूड बिकॉज आई बिलोंग टू द बायो क्लास. यस, मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली नंबर बेटा, सिंपली नंबर 10, 20, 30. तो ये दोनों के सेम रहेंगे. डिफरेंस किससे होता है बेटा, डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ उसके चार्ज से. नाउ अब इसी चीज कंसेप्ट को हमें यूज करना है. आगे देखते हैं यहाँ पर. ओके, नाउ यहाँ देख लीजिए बेटा, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव व्हाट, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स. डेफिनेटली ये होता ही है. हेंस द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज हैज द सेम मैग्नीट्यूड. यही चीज मैंने बोला, इसलिए उन दोनों के पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा बेटा. अगर मैग्नीट्यूड सेम है, नाउ यू हैव टू नो, यू नो द वैल्यू ऑफ एन. एन आपको पता चल गया, ई की वैल्यू पता होती है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा. सी हियर आई एम जस्ट डूइंग द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस. सी कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास 250 ग्राम में निकालना था, 18 ग्राम का आप जानते थे, आप जानते थे कि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम था, उसे आपने डिवाइड कर दिया. और आप जानते थे कि 1 मोल में 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर है, तो नंबर आपने देखा 10 नंबर्स है बेटा मेरे पास मैग्नीट्यूड. और हर एक मैग्नीट्यूड में ई कितना होता है, ई 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है. तो ये आ गया एन और ये आ गया आपके पास E. ठीक है बेटा, आपने सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रखा, ये N into E और ये आपका टोटल चार्ज. यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज हियर इटसेल्फ, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेटा. कैसे, यहाँ देखिए, डू ओनली द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन इट इज रिक्वायरमेंट. सो व्हाट इज द वैल्यू, 1.34 × 10⁻⁷. ये आपके पास कूलम आ गया है बेटा. ठीक है,